गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो डियर फ्रेंड्स, टुडे इज अवर सेकंड डे। आज हमारा दूसरा दिन है और अब हम अब प्रोसीड करेंगे। हमारा जो अगला टॉपिक है आज का, वो है चुन मेजरमेंट। वी आर मूविंग एज पर सिलेबस। सो द चुन मेजरमेंट, very basic topics, very interesting topic. So let's see. So look at this image. Day 2. Chun measurement. Okay, let's draw the body. चलिए body को draw करते हैं। तो first we are drawing the head region. And this is the hair, this is the eyes, this is the third eye. So first I would like to tell you, पहली बात कि हमारे की चुन क्या होता है। चुन, before proceeding to what is the चुन, चुन क्या होता है। चुन is like a centimeter, like a millimeter, like centimeter and millimeter, the purpose of centimeter and millimeter to do the measurement of something. Centimeter or millimeter ka kya purpose hai ki kisi bhi cheez ko measure karna, kisi bhi cheez ka naap lena. In the same way, the chun is the measurement unit in the acupuncture. This is the measurement यूनिट ऑफ एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर की मेजरमेंट यूनिट है, उसे हम कहते हैं चुन। सो लाइक इन द एक्यूपंक्चर वी आर नॉट मेजरिंग पॉइंट विद द सेंटीमीटर, वी आर नॉट मेजरिंग पॉइंट विद द मिलीमीटर, बट वी आर मेजरिंग विद द चुन। हम एक्यूपंक्चर में चुन के माध्यम से पॉइंट को मेजर करते हैं। सो लाइक this is the thumb, great thumb, and these are the fingers, other fingers. So the meaning of chun, the width of thumb, the width of distal joint of thumb. Hamare thumb ka jo distal joint hota hai, uski width ko hum chun kehte hain. That bit is called chun. So what is chun? The meaning of chun, the thumb width or the distal interphalangeal joint width is equal to chun. Okay, then let's see this. So this is the thumb, index finger, middle finger, ring finger, small finger, hello, so this, look at the thumb, look at the fingers. So the width of thumb, this is called one chun. Now the width of two finger, this is called 1.5 chun. Width of two finger, and the width of three finger, the width of three finger,
द विड्थ ऑफ थ्री फिंगर्स इज इक्वल टू टू चुन. सो अगेन द विड्थ ऑफ टू फिंगर इज 1.5 चुन. हमारे दो अंगुल की चौड़ाई है 1.5 चुन और तीन अंगुल की चौड़ाई है 2 चुन. सो द विड्थ ऑफ थ्री फिंगर इज 2 चुन. सो वी आर मेजरिंग इन दिस वे. नाउ द लास्ट थिंग हियर द विड्थ ऑफ ऑल द फोर फिंगर्स इज इक्वल टू 3 चुन. सो वी हैव टू रिमेंबर दीज वेरी बेसिक थिंग्स. द विड्थ ऑफ थंब, द विड्थ ऑफ टू फिंगर्स, थ्री फिंगर्स एंड फोर फिंगर्स. सो दिस द वन चुन, द विड्थ ऑफ थंब. हमारे अंगूठे की चौड़ाई वन चुन है. द विड्थ ऑफ टू फिंगर इज 1.5 चुन. द विड्थ ऑफ थ्री फिंगर इज 2 चुन एंड द विड्थ ऑफ फोर फिंगर इज 3 चुन. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स. ओके, सो वी शुड रिमेंबर. नाउ अगर इफ आई वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ फोरहेड, सो द टोटल लेंथ ऑफ फोरहेड इज 3 चुन. दैट शुड आई नो, दैट आई शुड हैव इन माय माइंड. सो हाउ कैन आई मेजर, मैं कैसे मेजर करूंगा. आई विल कीप माय फोर फिंगर्स हियर, 1, 2, 3 एंड 4. देन आई कैन मेजर 3 चुन बिकॉज द फोर फिंगर इज इक्वल टू 3 चुन. ओके, सो नाउ इफ आई लुक एट द नेक रीजन, सो दिस इज द नेक. दिस इज द नेक रीजन. द टोटल लेंथ ऑफ नेक रीजन, हमारी गर्दन की कुल लंबाई कितनी होती है. दिस इज ऑल्सो 3 चुन. सो आई कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ माय फोर फिंगर्स. दिस इज ऑल्सो 3 चुन. नाउ लुक एट द स्पाइन. दिस इज द स्पाइन. एंड वी नो इन द बोथ साइड ऑफ द स्पाइन वी आर हैविंग वन बोन हियर. द नेम ऑफ दिस बोन इज स्कैपुला. हमारे स्पाइन के दोनों तरफ हमारी पीठ में ये हड्डी होती है जिसे हम स्कैपुला बोन कहते हैं. The length between spine to scapula, the length between spine to scapula is also 3 chun. The spine to scapula. रीड की हड्डी से स्केपुला तक की लंबाई, स्केपुला के इनर कॉर्नर की लंबाई 3 चुन होती है. Now, so if I ask you, tell me the length between both scapula. अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि ये दोनों के दोनों स्केपुला के बीच की दूरी कितनी होगी, तो बताइए कितनी होगी. लेट मी नो, आई नीड योर आंसर. बताइए दोनों स्केपुला के बीच की दूरी कितनी होगी. डेफिनेटली इट विल बी 6 चुन. So this is the 6 chun. Very good. Okay. So now look at once again this head region, nose, so this is the nose, this is the eyes,
and this is the hairs here. Suppose hair is still here. And this is the neck. Okay, so tell me, what is the length of this forehead? Forehead ki lambai kitni hai? Bataiye immediately. Let me know. What is the length of forehead? Great, three chot. Okay, now tell me, what is the length of neck? What is the length of neck? Three chot, great. So now, this is the hairline. Hair starts from here. And the hair ends here. So the starting points are called anterior hairline. And the last point is called posterior hairline. And the distance between anterior to posterior hairline is 12 chun. Hamari hairline mein aage se jahan se baal start hote hain aur jahan baal khatam hote hain wahan tak ki duri kitni hai 12 chun ki hai 12 chun. Now because 12 chun I want to fix in your mind 12 chun, so I will give you one another thing here. So look at this human. Okay, so we can see here, this is the upper arm and this is the lower arm. The total length of the lower arm is also 12 chun. Hamari lower arm ki jo total lambai bhi kitni hoti hai 12 chun ki hoti hai. Yani lower arm ko agar aap nikal kar aise fold karke rakh do to aapka ye puri anterior hairline to posterior hairline ban jayega. So if you take the this lower arm, you take out the this lower arm and just keep from the anterior hairline to posterior hairline, then it will become 12 chun. So the length of lower arm theoretically is 12 chun. Okay, so the length of lower arm is 12 chun, but the length of upper arm is only 9 chun. Hamare upper arm ki duri keval 9 chun hoti hai. So let's see in the other image again. So the length of the this upper arm, ये हमारे upper arm की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? वो होती है 9 chun. But now we have to remember one thing very clearly. Let's see this. I will show you one image. So look at this image. Okay, so the length from the elbow to the wrist is 12 chun, but the upper arm length is only 9 chun. So remember this thing, this 9 chun length start from the axilla, not from the shoulder. This 9 chun start from the axilla, the level of axilla. Yani hamare lower arm ki to duri 12 chun hoti hai aur upper arm ki duri kitni hoti hai? 9 chun ki hoti hai. The upper arm is having 9 chun. So now the 9 chun also very good formula, 9 chun. So look at here, 9 chun. So what we can do
take out this upper arm. Suppose now this is, sorry, suppose this is the upper arm. This is the upper arm. Okay. Even I can keep this upper arm in this way. This is the upper arm. And the total length is 9 chun. And the total length is 9 chun. Okay. Fine. Now what I will do, अब मैं क्या करने वाला हूं, सो आई विल टेक दिस अपर आर्म एंड आई विल फिट हियर लाइक दिस, देन इट विल बिकम स्टर्नम बोन. तो ये बन गया स्टर्नम बोन. सो द टोटल लेंथ ऑफ दिस स्टर्नम बोन और चेस्ट बोन इज ऑल्सो 9 चुन. हमारे अपर आर्म की लंबाई भी 9 चुन है और स्टर्नम बोन की भी लंबाई 9 चुन है. व्हाट इज स्टर्नम बोन? वी कैन सी इन द चेस्ट कैविटी. द नेम ऑफ दिस बोन इज दिस बोन, द सेंट्रल बोन. दिस सेंट्रल बोन इज स्टर्नम बोन. दिस इज टोटल 9 चुन लॉन्ग. Now coming back to this image, अब हम वापस आते हैं. And if I will take this 9 chun again, अगर मैं 9 chun को लेता हूं, if I take this 9 chun and I'm taking here, so what I can do here? So I can draw the hairline here, hairline. So I can draw the hairline. And what is the length of this hairline? So from the one corner of the head to the another corner of head, this total length is also 9 chun. हमारे सिर में एक corner से लेकर और दूसरे corner तक की जो टोटल लंबाई होती है उसको हम 9 चुन कहते हैं. लेट्स सी दिस इमेज. सो इन दिस इमेज फ्रॉम वन कॉर्नर टू द अनदर कॉर्नर, दिस इज टोटल 9 चुन. और लेट्स सी अदर इमेज. सो द अपर आर्म इज 9 चुन. द एंटीरियर टू द लेंथ बिटवीन one corner to another corner, hairline is 9 chun. And the most wonderful thing is here. Aur sabse mahatvapurna cheez to ye hai. Let's see the head region. In the head region, in the corner of head, we are having the location of stomach 9. So from the bone, stomach 8. So from the one side of stomach 8 to the another side of stomach 8. So stomach 8 to stomach 8. This total length is 9 chun. Ye puri lambai 9 chun hoti hai. From one corner to the another corner. In the same way, if we see the image from the back side, even in the back side, the distance between one corner to another corner of the hairline is 9 chun. So 9 chun is very important. So 9 chun, the sternum 9 chun, stomach 8 to stomach 8 9 chun, the posterior hairline 9 chun, upper arm is 9 chun,
So remember the ninth chun. Coming here. Now, if you see the human body here, so this is the human body. This is the diaphragm, navel region. Now, just I made the sternum bone, and I told you the length is 9 chun. Okay, now I am moving to the next. Now I am moving to the 8 chun. The length between the lower end of the sternum to the navel is 8 chun. Ab navi tak ki lambai hamare diaphragm se navi tak ki jo lambai hoti hai wo 8 chun ki hoti hai. Let's see other image. If you look at this image, so in this image, it's very clear that this is the ending of sternum bone. And this is the lower end of sternum. And this is the navel. So the length of lower end of the sternum to the navel region. This total length is 8 chun. Ye lambai 8 chun ki hoti hai. Suppose we are keeping the one rod here for measurement. Ek measurement ke liye humne ek rod rakh diya. So we are keeping the one rod here just for measurement. One scale here just for measurement. Ye hamari ek scale rakhi hui hai. So come back here. And this is the scale which I, this is the scale. This is the scale of 8 chun. 8 chun scale. Okay. So the 8 chun, the distance, kahan se kahan tak ki duri hai? Nabhi tak ki duri hai. So now, look at this 8 chun. Ab aap 8 chun ko utha lijiye yahan se. So hold the 8 chun from here. So take the 8 chun from here. Now, I am taking out the 8 chun here. Look at here. So what this scale is 8 chun. Ye scale ki lambai hai 8 chun ki. Now, the one nipple to another nipple is 8 chun. So, one nipple to another nipple is 8 chun. Ek nipple se dusri nipple ki jo duri hai, wo bhi 8 chun ki hai. Got it? So, let's see in this image. Look at this image. So, this is the length 8 chun. One nipple to another nipple, this length is also 8 chun. Now, from the center line, if we go horizontal till the axillary crease, this is also 8 chun. So, एक तो हमारे एक निप्पल से दूसरे निप्पल की दूरी 8 चुन की है और आधी कर दोगे तो 4-4 चुन की हो जाएगी. और जहां हमारी ये ऊपर वाली स्टर्नम बोन खत्म होती है उसके लोअर एंड से नाभि तक की दूरी भी 8 चुन है. और अगर मध्य लाइन से आप पूरा बाहर चले जाएंगे कहां तक, एक्सिलरी क्रीज तक, वो भी 8 चुन है. दैट इज ऑल्सो 8 चुन. Got it?
सो 8 चुन इज ऑल्सो वेरी वंडरफुल फॉर्मूला. 8 चुन भी बड़ा गजब का फॉर्मूला. नाउ वी विल प्रोसीड, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो रिमेंबर वन थिंग हियर, दिस इज अ नेवल रीजन. From the navel region, if we go down till the bone, the name of this bone is pubic bone. The total length is 5 chun. Agar navi se hum pubic bone tak jaate hain, to ye lambai hoti hai 5 chun ki. This is the 5 chun. But we don't have 5 chun measurement somewhere else. Aur kahin jyada 5 chun nahi milta. So 1, 2, 3, 4, 5. These the distance is 5 chun. Let's see in the other image. Ab hum isko ek dusri image mein dikhate hain aapko. So look at this image. So this is the navel region and this is the pubic bone. So the total length from the navel region to the pubic bone is 5 chun. Got it? Let's now going in the leg region. अब हम पैरों में जा रहे हैं. अब हम पैरों की बात करेंगे. So let's see this leg. Okay. So first I will tell you the total length of upper leg. The total length of upper leg is how many chun? 19 chun. And the total length of lower leg is 16 chun. So remember this thing first. कि ऊपर के पैर की पूरी लंबाई 19 चुन की है, 19. और नीचे के पैर की लंबाई है 16 चुन. And we know the knee is here. This is the knee. So the length of the upper leg is 19 chun. The length of the lower leg is 16 chun. So upper leg ki 19 chun hai, niche wale leg ki sweet 16 hai. So remember this. Now we have to do little variation. Now 19 mein se ek ghata do to ho gaya 18. और 16 में से 3 घटा दो तो हो गया 13. नाउ यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर बिकॉज लेट्स सी इन द अदर इमेज. सो दिस इज द लेग. एंड दिस इज द लोअर लेग. एंड दिस इज द नी. And this is the crease of the knee. So the total length of this upper part is 19 chun. But if you minus the knee, if you minus the knee, not minus the knee, the total length of this upper leg is 19 chun. Lekin agar aap sirf ghutne ki crease tak measure karte hain, if you just measure with the crease, then you have to minus 1 chun. Then you have to reduce 1 chun. So it will become 18 chun. The total length of the lower leg is 16 chun. But if you minus the, if you measure just with the knee crease, agar aap knee crease tak use naapte hain, then it becomes 13 chun. This may be little confusing.
तो चलिए एक इमेज दिखा देते हैं आपको, यानी आइदर वी हैव टू गो इफ वी आर मेजरिंग फुल फुल देन 19 एंड 16, बट इफ वी आर मेजरिंग जस्ट विद द नी क्रीज देन माइनस वन फ्रॉम द अपर साइड एंड माइनस थ्री फ्रॉम द लोअर साइड. अगर हम पूरा पूरा नापे तो 19 और 16 चुन है, और अगर हम सिर्फ घुटने की क्रीज तक नापते हैं तो ये थोड़ा घट जाता है. तो चलिए एक हम इमेज में देख लेते हैं, बिकॉज दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो नाउ लुक एट दिस इमेज. So this is the femur bone. ये हमारी femur bone है. This is the femur bone. Okay. The total length is 19 chun. Now, this is the tibia bone, tibia. The total length is 16 chun. ये हमारी tibia bone है, इसकी total लंबाई 16 chun की है. Okay, now let's see in the other image. अब हम दूसरी इमेज में देखते हैं. Now look at this image. Now, if you see this, look at this. This is the femur bone. The total length is 19 chun. Puri lambai 19 chun. And this is the lower end of femur bone. It is called epicondyle. Epicondyle of femur bone. इसे हम कहते हैं फीमर बोन का इपीकोंडाइल. यहां तक पूरी दूरी है 19 चुन. द टोटल लेंथ इज 19 चुन टिल हियर. नाउ इफ यू लुक एट द नी क्रीज, अगर आप नी क्रीज को देखेंगे तो नी क्रीज तो यहीं पर आ गई, but epicondyle is going till here. So if I agar main aapse poochu ki batao femur bone ki kitni lambai hai ya upper leg ki kitni lambai hai, to aap bologe 19 chun. Lekin main bolunga ki upper leg ki kitni lambai hai keval ghutne ki crease tak, to aap bologe 18 chun, because you have to minus this part. So remember once again, one minute only, give me 1 minute, I will show you one image. Yeah, now I will tell you very clearly. 1 minute. Thoda sa isme correction karenge. We'll do the slight correction. Look at this image. So this is the femur bone.
एंड दिस द नी. And this is the knee crease. So the femur bone ending here. And this is the last part of the femur bone, epicondyle of femur. Epicondyle of femur, okay. But knee crease is here. And the distance between the epicondyle of femur to the knee crease is 1 chun. 1 chun. So remember 3 steps. Step number 1. The length till the length of upper leg till epicondyle is 18 chun. Length of upper leg till the epicondyle is 18 chun. Hamare upar ke leg ki jo length hai wo 18 chun ki hai. Now epicondyle to knee crease is 1 chun. Now step number 3. So total length of upper leg is 19 chun. Ye baat final hai. Let's see in the other image for clear understanding. So look at this image. The length of the upper leg till epicondyle of femur because this is the femur bone and this is the epicondyle of femur is 18 chun. Now this is the knee crease, 1 chun away. So the total length of the upper leg will be 19 chun till the knee crease. Now the last chun measurement, then we'll come to the quiz. Ye last chun measurement hai. This is the tibia bone. And this is the knee crease. This is the tibia bone. And this is the knee crease. So the total length of
दिस टिबिया बोन इज 13 चून. This is the upper end of tibia, that is called condyle of tibia. हमारे tibia का जो सबसे ऊपर का end होता है उसे हम कहते हैं condyle. Now condyle से लेके crease तक की जो दूरी होती है it is 3 chun. So the distance between condyle to the knee crease is 3 chun. So the total length of lower leg is 16 chun. Okay, so this was a little complicated for the person who are not aware with the anatomical term. अब आप ये एक इमेज देख लीजिए, फिर हम समझ सकते हैं. So this is the tibia bone and this is the condyle of tibia. And this is the femur bone and this is the epicondyle of femur. So this is the condyle and this is the epicondyle and knee crease is here. This is the knee crease. So one chun from epicondyle and 3 chun from condyle. अगर आपको ये concept भी समझ में आ गया तो clear हो जाएगा. Okay, let's move to the quiz. अभी हमें क्विकली दो क्विज करना है, एक के बाद एक. फॉर एवरी क्विज वी विल गिव यू ओनली 3 मिनट. एक क्विज के लिए हम आपको सिर्फ 3 मिनट का टाइम देंगे. सो लेट्स स्टार्ट द क्विज नंबर 2. योर टाइम स्टार्ट नाउ. चलिए, आपको सिर्फ 3 मिनट का टाइम मिलेगा, ओनली 3 मिनट्स. Okay, time is over. So the question number 1, how to measure point in the acupuncture? So definitely chun. Acupuncture mein point ko chun se naapte hai. Question number 2, 1 chun is equal to 1 thumb width. Very good, 94% right, very good. Question number 3, length from anterior to posterior hairline, 12 chun, wonderful. 4, length of anterior part of head, one corner to another corner. No option. All are wrong. सारे एक इसमें आंसर नहीं है, क्योंकि हमने आपको बताया था कितने चुन है, बताइए. 9 चुन है जी. एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक की दूरी कितनी है? उतनी ही दूरी है जितनी दूरी जितने का ये हमारा अपर आर्म है. सो इट इज 9 चुन. सो द लेंथ ऑफ एंटीरियर पार्ट ऑफ हेड वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर स्टमक एट टू स्टमक एट इज 9 चुन. सो क्वेश्चन नंबर 5, लेंथ ऑफ नेक इज 3 चुन. परफेक्ट, वेरी गुड. मुझे अभी तक 100% राइट नहीं मिले. देखिए, अभी भी आप गलतियां कर रहे हैं, है ना. लेंथ ऑफ फोरहेड इज 3 चुन. सी, ओनली 78% आर राइट. हमारी ये फोरहेड की लंबाई 3 चुन है. लेंथ ऑफ स्टर्नम बोन, ये स्टर्नम बोन की लंबाई 9 चुन है, 93%, वेरी गुड. डिस्टेंस बिटवीन लोअर एंड ऑफ स्टर्नम टू द नेवल 8 चुन, वेरी नाइस, बट ओनली 90%. कुछ लोगों का मानना है कि 12 चुन है, कुछ लोगों का मानना है कि 9 चुन है. हमारे लोअर एंड ऑफ द स्टर्नम से नाभि तक की दूरी कितनी है? 8 चुन की है. क्वेश्चन नंबर 9,
The length between navel to the pubic bone is 5 chun. Very good. The question number 10. The distance between medial end of scapula. अगर हम बात करें कि दोनों स्कैपुला के जो मीडियल एंड की दूरियां कितनी है तो आंसर होगा फ्रॉम द वन कॉर्नर ऑफ द स्कैपुला टू द अनदर कॉर्नर ऑफ द स्कैपुला द टोटल लेंथ इज 6 चून। हमारे एक कॉर्नर ऑफ स्कैपुला से इतने सारे गलत आंसर इसमें कैसे हो गए? देखो हमारा जो स्कैपुला बोन होता है पीछे, उस स्कैपुला बोन के जो मीडियल कॉर्नर से और दूसरी तरफ की स्कैपुला के मीडियल कॉर्नर तक की जो टोटल लंबाई होती है वो 6 चुन की होती है। चले मैं आपको एक मौका और दे रहा हूं। देखिए ये जो कोर्स है ना, ये तो प्रिपरेशन कोर्स है। आपको टीसीएम प्रिपेयर करके आना है इस कोर्स के लिए, थोड़ा बहुत पढ़ के आना है। स्टार्ट करिए, गिविंग 2 मिनट्स। डॉक्टर सुनील जैन जी, मैंने उस चीज में थोड़ा करेक्शन किया। मैंने कहा कि इपिकोंडाइल तक की दूरी 18 चुन की है, 19 चुन की नहीं है, लेकिन नी क्रीज तक की दूरी हमारी 19 चुन की। यानी जैसे हम अगर ग्रेटर ट्रोकेंटर से अगर फीमर बोन के अपर एंड से नीचे आएंगे तो पहले हमें मिलेगा इपिकोंडाइल, तो 18 चुन की हो गई, और आगे जाएंगे तो हमें घुटने की क्रीज मिलेगी तो 19 चुन की होगी। सो अगर आपका प्रश्न है कि हमारे जीटी से इपिकोंडाइल तक की दूरी कितनी है तो आंसर है 18 चुन की। और अगर आप पूछेंगे कि जीटी से घुटने के क्रीज तक की दूरी कितनी है तो उसका आंसर होगा 19 चुन। क्या आपको क्लियर है? आप फोर्थ क्वेश्चन में कोई भी एक चुन लीजिए। ओके सुनाओ, व्यक्लुज ओके, इवन वी डोंट हैव टाइम बट आई वांट टू गो फॉर वन मोर क्विज। ओके नो प्रॉब्लम, यू कैन चूज एनी वन, आप कोई भी चुन सकते हैं एक। फाइन, तो चलिए क्विज नंबर अगली पर जाते हैं। अभी भी बहुत सारे लोगों को स्टडी की जरूरत है। देखिए कई कई आंसर गलत आ रहे हैं, द लॉट्स ऑफ रॉन्ग आंसर्स आर कमिंग, बट एनीवे द मैक्सिमम आंसर आर राइट। अब हम अगली क्विज की ओर जा रहे हैं जो आज की आखिरी क्विज है। यस, सो गिविंग यू 5 मिनट्स, 5 मिनट, टेक इट 5 मिनट। क्या क्वेश्चन 10 क्लियर करना है? ओके विल सी नाउ, सेंट्रल लाइन टू द मीडियल एंड ऑफ स्कैपुला। नो, आई विल शो यू, मे बी क्वेश्चन इज कंफ्यूजिंग, या आई एम एग्री विद दिस, सो आई विल सी दैट। अभी मैं आपको बताता हूं, द सेंट्रल लाइन टिल द मीडियल एंड ऑफ स्कैपुला इज ओनली 3 चुन। I will tell you shortly. Okay, I'm waiting. So this is the ending of time. Question number 1. The distance between axilla to elbow. हमारे axilla से elbow तक की लंबाई कितनी होती है? So answer is 9 chun. बिल्कुल सही बात है. This length is 9 chun. डिस्टेंस बिटवीन एल्बो टू रिस्ट, एल्बो से कलाई तक की दूरी कितनी होती है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एल्बो टू रिस्ट? सो आंसर इज 12 चुन। ओके थियोरेटिकली इट इज राइट। 1.5 चुन मींस, 1.5 चुन का क्या मतलब है? सो द विड्थ ऑफ टू फिंगर, द मीनिंग ऑफ टू चुन, the width of 3 finger, perfect।
द मीनिंग ऑफ थ्री चुन द ब्रेथ ऑफ फोर फिंगर्स. वेरी गुड, सभी ने ठीक किया है. द टोटल लेंथ ऑफ अपर लेग इज, द टोटल लेंथ ऑफ अपर लेग इज 19 चुन. 19 चुन. द टोटल लेंथ ऑफ अपर लेग टिल द मिड नी अगेन 19 चुन. ये 19 चुन ही होगा. ओके देखो आप लेग में कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको बता रहा हूं. हम अपर लेग की बात कर रहे हैं, टोटल लेग की, या मिड नी क्रीज तक बात कर रहे हैं, ये 19 चुन ही होगी. वो 18 चुन क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा अगली क्विज में, मे बी टुमारो, क्योंकि आज हमें अगली क्विज का टाइम नहीं मिल पाएगा. अगर मैं बोलूं कि ऊपर वाले लेग की लंबाई कितनी है, कहां तक, इपिकोंडाइल तक, इपिकोंडाइल तक, तब होगी 18 चुन. समझिए इस बात को. द लेंथ ऑफ अपर लेग टिल द इपिकोंडाइल, दैट इज द 18 चुन, बट आई एम आस्किंग टिल द नी, सो इट इज द फुल लेग नाउ. सो 19 चुन, 19 चुन, बोथ ऑप्शन 19 चुन. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. The total length of lower leg 16 chun, right? The knee crease to the ankle again 16 chun. अब इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन मिस हो गया. चलिए कोई बात नहीं, कल हम इसको देख लेंगे. यानी बात वही है कि knee crease से जो ankle तक की दूरी होती है उसी को हम पूरा leg कहते हैं. Okay? So now if अगर मैं आपसे पूछता हूं कि लोअर लेग की लंबाई कितनी है तो आपको बोलना है 16 चुन की. लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि लोअर लेग में एंकल से कोंडाइल तक की लंबाई कितनी है, कोंडाइल यानी वो क्रीज के पहले ही खत्म हो जाता है, तो फिर 13 चुन की होगी. देन इट विल बी 13 चुन. नो प्रॉब्लम, हम लोअर लेग की क्विज कल भी करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन भाग है, आई कैन अंडरस्टैंड. And question number last. The chun is the measurement unit in the acupuncture. Wow, 100% right. इसमें 100% right मिले पहली बार, है ना? चलिए कहीं तो मिला. Very good. अब ऐसे ही मुझे आगे सभी में 100% चाहिए. तो चलिए मैं आपको एक मौका और दे रहा हूं. Only 2 minutes. Start करिए. आठ का आंसर भी 16 चुन होगा और 9 का आंसर भी 16 चुन होगा, लेकिन 16 चुन ऑप्शन में नहीं है. कोई बात नहीं, कुछ गलतियां हुई हैं, उसको करेक्ट कर लिया जाएगा. अगर ऑप्शन ना हो तो आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लेना. ओके, टाइम इज ओवर, ओनली 20 सेकंड लेफ्ट. तो देखिए, अगर आपके कोई सजेशन हो, अगर आपको ऐसा लगता हो कि थोड़ा हम स्लो चल रहे हैं, थोड़ा स्पीड और बढ़ानी है, तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, है ना? इफ यू वांट टू स्पीड अप लिटिल मोर देन मैसेज मी, और मैसेज मी. ओके, या वन मैसेज आगे, यस प्लीज स्पीड अप. ओके, स्पीड अप, एवरीवन लाइक स्पीड, वेरी गुड. ओके, आई नीड द फ्रॉम द न्यू स्टूडेंट्स, कि ओल्ड स्टूडेंट को सब पता है क्या चुन होता है, बट आई नीड टू नो फ्रॉम द न्यू स्टूडेंट्स, क्या उनको समझ में आ रहा है इस स्पीड में, या थोड़ी सी और स्पीड बढ़ाई जा सकती है, कैन बी स्पीड अप लिटिल और नॉट. ओके, मैसेज मी पर्सनली और इन द ग्रुप, सो आई कैन मूव अकॉर्डिंगली. ओके, आई नीड टू नो फ्रॉम द न्यू स्टूडेंट, नॉट फ्रॉम द ओल्ड. ओल्ड के लिए तो कितने भी स्टूडेंट स्पीड बढ़ा दो, उनके लिए बराबर है, उनको सब पता है. ओके, सो थैंक यू सो मच, नाउ सी यू टुमारो. अब हम कल मिलेंगे.